सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों, आज मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा था, तो मौसम को देखते हुए हम निकल गए घूमने। तो आज हम घूमने जा रहे हैं तेकाड़ी, लाल बरा तेकाड़ी। तेकाड़ी का कंफर्म रास्ता हमको कुछ मालूम नहीं था, तो हमने लिया गूगल मैप का सहारा। गूगल मैप के अनुसार तेकाड़ी यहाँ से 160 किलोमीटर की दूरी पर है, और गूगल मैप के अनुसार तेकाड़ी पहुंचने के लिए समय 2 घंटा 15 मिनट ऐसा गूगल में दिखा रहा है, मगर क्या पता हम थोड़ा जल्दी पहुंच जाए। तो चलिए देखते हैं हम कितनी देर में पहुंचते हैं, और रास्ते में पड़ रहे कुछ सुहाने नज़ारों का भी मज़ा लेते हैं। गाइस, आज का मौसम थोड़ा पानी गिरने वाला हो रहा था, ऐसा लग रहा था पानी गिर सकता है करके। तो बस हम निकल गए घर से मौसम को देखते हुए कि निकला जाए करके। ऐसे दूसरों से सुनने में मिला है तेकाड़ी बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे हैं वहाँ पे, डैम है, और वो तो ऐसा देखने में ही पता चलेंगे। और ये अभी हम पहुँच गए लवादा के जंगल। ये बाहर से दिखने में जितना खूबसूरत है, अंदर से दिखने में ये उतना ही खूबसूरत है। ये जंगल उतना बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है, और बहुत खूबसूरत जंगल है ये। गाइस, बस वाला बहुत ज़्यादा ओवरटेक कर रहे हैं, यानी उतने सही से चला नहीं रहा है। एक बार तो इनने मेरे को ओवरटेक कर चुका है। लाल बर्रा के आगे दोस्तों ऐसी बहुत सी जगह जो देखने को मिल सकती है। और ये अभी हम पहुँचे टोल टैक्स, ये दोस्तों बंद होता है, चालू होता है, ऐसे होता रहता है, अभी वैसे नया बना ही लिए। ये देखो, ये फिर निकला बाजू से ये, और ये यहाँ पे हमको मिल जाते हैं हमारे दो दोस्त। ऐसे उनसे पूछे हमने कहाँ जा रहे करके, इनने बताया ये भी तेकाड़ी जा रहे हैं, और इनको रास्ता मालूम था, तो हम इन्हीं के साथ साथ चल लिए बस, कि इनको फॉलो करते करते हम भी पहुँच जाए। फिर आते समय तो ये वहीं रुकेंगे, हमको अकेले आना पड़ेगा आते समय, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनको रास्ता मालूम है तो ये ले जाएंगे अच्छे से। वैसे लाल बरा तक का हमको पूरा रास्ता मालूम है, बाकी बोलते हैं लाल बरा के आगे या लाल बरा से कहीं होते हुए निकलते तेकाड़ी, वो तो भैया ही बता पाएंगे कि किधर से जाना है करके। लाल बरा यहाँ से दोस्तों ज़्यादा दूर नहीं होगा, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी में, बस थोड़ी सी दूर में बस पहुँचने वाले लाल बरा। फिर वहाँ से पता चलेगा तेकाड़ी का रास्ता, और मौसम के मज़े लेते लेते हुए हम पहुँचेंगे तेकाड़ी। बस डर ये है कि पानी ना गिर जाए, कि पानी का मौसम हो रहा है ऐसा कि पानी आ सकता है, कुछ बूंदे भी आ रही है थोड़ी थोड़ी, और गिर ना जाए। बस पानी गिर गया तो फिर रुकने की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रुकने की इधर कुछ साधना दिख नहीं रही है हमको। इधर पानी गिरा लगता है, हमको ना पकड़ा जाए बस, पानी दिक्कत यही है। रोड अच्छी है दोस्तों, करके गाड़ी चलाने में भी मज़ा बहुत आ रहा है, वरना हमारी भरवेली रोड तरफ चले जाओ उधर तो पूरा गड्ढे गड्ढे, इतने गड्ढे कि तुमको क्या बताऊं। इधर बढ़िया, हम अपनी एक स्पीड से जा रहे हैं, यदि इतने गड्ढे हमको रोड में मिल जाए तो हमको पहुंचने में अधिक से अधिक समय लगता, मगर यहाँ रोड एकदम क्लीन है, इसलिए हम एक स्पीड में चल सक रहे हैं। और बोलते हैं तेकाड़ी जंगलों के बीच में है, वहाँ पे एक माता जी का मंदिर है, दुर्गा माता जी का मंदिर है बोलते हैं, जो कि गर्मियों में ही दिखता है सिर्फ, ठंडियों में बारिशों में उसमें पानी रहता है बहुत, उस कारण देख नहीं पाते। अभी शायद ही दिखे हमको, गर्मी में जाए तो क्या पता हमको दिख सकता है। बाकी बोलते हैं कि वो पूरा डूबता नहीं है, उसकी ऊपर की जो छोटी सी चोटी रहती है वो दिखती है, दिखते ही रहती है कितना ही पानी भर जाए, देख के पता चलेगा वो तो अपने को।
और ये दोस्तों हम पहुंच चुके हैं लाल बर्रा। अब लाल बर्रा से देखना पड़ेगा हम कहां से होते हुए जाते हैं, लाल बर्रा से अंदर से जाते हैं या बाहर से जाते हैं। ये पुल पार किए और बस लाल बर्रा पहुंच गए समझो। इधर तो यार मौसम बहुत ही भयंकर ही मौसम हो गया है, ऐसा लगता पानी वानी गिर सकता है और पूरी संभावना है कि पानी गिरेंगी ऐसे लग रहा है मौसम को देखते हुए। और यदि पानी गिर गया तो हमारी समस्या हो जाएगी। तो हमने अभी लाल बर्रा के अंदर साइड से जाने, मार्केट साइड से जाने की देखा, उधर से जा रहे आगे से भी रास्ता, मगर पता नहीं भैया शायद इधर से ले जा रहे, तो चलो देखते इधर से शायद ये पीछे से होते हुए ले जाएंगे पूरा। इधर मौसम और भी भयंकर है। अतिक्रमण के कारण दोस्तों लाल बर्रों को अभी पूरा तोड़ दिया गया है, उसको अभी फिर से रीयूनियन करेंगे। अभी तो पूरा ऐसा खंडर समान दिखने लगा है लाल बर्रा पहले के मुताबिक पहले के मुताबिक। ये जंगलों से होते हुए जा रहे हैं हम, थोड़ा पतली सी गलियां हैं इधर से, ऐसे यहाँ बीच बीच में छोटे छोटे गांव पड़ते हैं, मैंने पूरा भी जंगल नहीं है, इस प्रकार से जंगल ही है, छोटे छोटे गांव पड़ जाते हैं और बीच में। और ये अभी हम जहाँ से जा रहे हैं ये एक बहुत ही पुराना स्टेडियम था बाजू में, इसकी देखभाल नहीं कर पा रही है सरकार तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बाकी यार स्टेडियम बहुत बड़ा है और बहुत ही अच्छा है, यदि सरकार इसको देख ले तो बहुत अच्छी जगह बन सकती है। बस दिक्कत ये कि थोड़ा गाँव के अंदर पड़ी है शायद, इसलिए भी इसको नहीं देख पा रहे। बाकी बच्चों के लिए खेलने कूदने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये, वही है सरकार की नज़र में आ गई तो आ गई, वही वाली बात है बस यार दोस्तों। अभी तो हम लगभग जंगल के अंदर एंट्री करने वाले हैं शायद, क्योंकि तिगाड़ी जो है बोलते जंगल के अंदर से होते हुए जाती है। अभी तो हम कोई छोटे से गांव में आ गए, गांव का नाम तो उतना मालूम है नहीं अपने को, क्योंकि अपना इधर आने जाना उतना होता है नहीं। इधर तो यार मौसम और भी प्यारा होते जा रहा है, इधर धीरे धीरे जितने जितने पास आते जा रहे तिगाड़ी के। और तिगाड़ी के बारे में दोस्तों आपको एक चीज़ और ये बता दूं मैं कि वहाँ का जो पानी है उससे धुआं निकलता है, ऐसे जब कैसा बोला जाए ऐसा कुछ बोल तो नहीं सकता, बाकी बोलते हैं ऐसा कि उससे धुआं निकलता है तो बहुत भयंकर ही निकलता है, आने अलग ही देखने वाले नज़ारे ही हो तुम ऐसे सामने से ही देख सकते हो, ऐसा बोल के नहीं बता सकते। तो यार देखने वाली चीज़ है, मैं तो बोलता हूँ कि जो भी बालाघाट के आसपास है लाल बर्रा के आसपास है यार वो तिगाड़ी एक बार तो ज़रूर जाए, जाके देखे यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है मेरे हिसाब से, तो आप सबको विज़िट करना चाहिए। और देखो ये हम पहुँच गए जंगल के अंदर, लोगों का मानने कि यहाँ जानवर वानवर भी दिख जाते हैं धोखे धाके से, वैसे तो अंदर जाएंगे तो दिखने ही है, कन्फर्म ही है बोलते हैं, वैसे गर्मियों के समय में बाहर आ जाते हैं जानवर वानवर तो ऐसे रास्ते रास्ते में भी दिख ही जाते हैं। जैसे अभी हम यहाँ से जा रहे तो ऐसा है कि ये रास्ते रास्ते में दिख सकते हैं, ये तुम ऐसा है कि अपनी खुद की रिक्स में जाओ तो ही अच्छा है, यानी समझ गए होंगे, समझदार हो तुम लोग तो। ये देखो ये पहुँच गए दोस्तों हम लोग तिगाड़ी अभी।